कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर पूर्वोत्तर राज्य में व्यापक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में भारत को कश्मीर से लेकर केरल और गुजरात से लेकर बंगाल तक बताया, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने ट्विटर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र का उल्लेख नहीं करने के लिए राहुल गांधी की खिंचाई की। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भारत सिर्फ एक संघ से परे है, हम एक गौरवशाली राष्ट्र है। भारत को आपके टुकड़े टुकड़े दर्शन के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के साथ आपकी समस्या क्या है? और हेलो, बंगाल से परे उत्तर पूर्व मौजूद है। आज अभी देखो राहुल गांधी दो दिन से पीछे पड़ा है कि इंडिया देश नहीं है, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अरे भाई, ये क्या बास का यूनियन है? ये क्या स्टूडेंट्स यूनियन है? ये क्या कल्चरल यूनियन है? देश एक जीवित आत्मा होता है, देश ऐसा बात नहीं है, देश यूनियन नहीं होता है। आज राहुल गांधी का ऐसा हालत हो गया कि वो बोलता है हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट है, उत्तराखंड और असम मिल के भारत बनाया है। नहीं, भारत हमारा आत्मा है, 5000 साल का पहले से ही हम भारतीय है और भारतीय मरने मरते दम तक हम भारतीय रहेगा। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पूर्वोत्तर को बहिष्कृत करने का आरोप लगाया और कहा कि क्षेत्र में कांग्रेस नेता की अज्ञानता के कारण ही पार्टी का सफाया हो गया है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए त्रिपुरा के सीएम ने कहा कि वो पूर्वोत्तर राज्य को भूल गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी ने अपने परदाता और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरह इस क्षेत्र को बहिष्कृत किया था। देव ने अपने ट्विटर पर कहा कि प्रचार करने के लिए राहुल गांधी हमारे खूबसूरत पूर्वोत्तर के राज्य को भूल गए हैं। अपने परदाता की तरह उन्होंने हमारे क्षेत्र की बहिष्कार कर दिया है। हम भी भारत को गौरवशाली अंग है, आपकी अज्ञानता के कारण आपकी पार्टी का पूर्वोत्तर से पूरी तरह सफाया हो गया है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी राहुल गांधी के ट्विटर पर कहा कि ये उन्हें चकित करता है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पूर्वोत्तर को भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पूर्वोत्तर क्षेत्र की अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया जाता है तो कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए मणिपुर के लोगों से वोट कैसे मांग रही है। उन्होंने आगे पूछा कि देश को कौन बांट रहा है। यह बता दें, राहुल गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भारत को एक संघ बताया था। उन्होंने लिखा था कि हमारे संघ में ताकत है, हमारी संस्कृतियों का संघ, हमारी विविधता का संघ, हमारी भाषाओं का संघ, हमारे लोगों का संघ, हमारे राज्य का संघ है। कश्मीर से केरल तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, भारत अपने सभी रंगों में सुंदर है। भारत की भावना का अपमान मत करो, जिस पर पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी की तीखी आलोचना की।